और सिबरी में आक्रोशित लोगों ने बिक्की कहार के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मार्च निकाला है। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ में नाराजगी जताई है। विधायक दिनेश राय ने बिक्की हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि बीते महीने बिक्की कहार की जिले के लखनादौन सिविल अस्पताल में निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। चक्का जाम खुलवाने गई पुलिस 15 दिनों में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया था, इसके बावजूद भी पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस के सुस्त रवैये के चलते आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी करते हुए नाराजगी जताई है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम लोगों ने विगत 29 तारीख को जो मर्डर हुआ है उसमें चक्का जाम हुआ था, जिसमें एसडीओ साहब ने 72 घंटे का समय मांगा था। उसके बाद टीआई साहब ने 15 दिन का समय मांगा था। ये सब समय आज लगभग 18 से 20 दिन होने को जा रहा है। इसके बाद भी अभी तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिला इनको, ऐसा क्यों हो रहा है? तो विक्की कहार का जो हत्याकांड अस्पताल में हुआ था उसकी विवेचना लगातार जारी है, विवेचना चल रही है। कुछ साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और कुछ फिजिकल एविडेंसेस के चक इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस राज से पर्दाफाश कर दिया जाएगा। आज हमारे लखनादौन के सभी जनता यहाँ पर एकत्रित होकर एक सांकेतिक हड़ताल के रूप में यहाँ बैठे हैं और आज शाम को कैंडल मार्च भी निकालेंगे। हमारे गांव का बेटा, परिवार का बच्चा बिक्की कहार का अस्पताल में आज 17-18 दिन से ऊपर हो गए हैं, उसका मर्डर हुआ है और मुलजिम भी उसी हॉस्पिटल में है। कहीं ना कहीं वहाँ के डॉक्टर, नर्स और यहाँ के बाहर के लोगों के भी हाथ है, लेकिन पुलिस ने लगातार इतना लेट लतीफी करने के कारण परिवार के सब लोग आक्रोशित होकर आज यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में बैठे हैं। सारी चीजें स्पष्ट हैं, नगर की जनता, परिवारजन और सारी चीजें हमारे सामने हैं, मगर जिस प्रकार से कार्यपद्धति पुलिस विभाग की है यह निश्चित रूप से संदेह के घेरे में है और लगातार जनचर्चा का विषय है। नगर की जनता मांग कर रही है, रोड चक्का जाम किया गया, उसके बाद फिर आंदोलन किया जा रहा है। लगातार हम सभी लोग आज धरना प्रदर्शन पर में बैठे हैं। हम समस्त जनप्रतिनिधियों का समर्थन है और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब पहले दिन हत्या हुई थी और नगर के नागरिक और परिवार वाले धरना पे बैठे थे, पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि एक हफ्ते के अंदर हम इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा लेंगे। सारी चीज की जब जानकारी है तो पुलिस निश्चित ही कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आ रहा है जो कि रसूखदार और राजनीतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता है।